नमस्कार, मैं हूं शिवानी। बिहारी न्यूज़ में आपका स्वागत है। संगीत ऐसी चीज़ है जो पास में नहीं रहते हुए लोगों को भी आपस में जोड़ कर रखती है। ऐसा ही कुछ रिश्ता था कृष्ण कुमार कुन्नत की संगीत और उनके फैंस के बीच का। 31 मई की रात दक्षिण कोलकाता स्थित नजरुल मंच और लोगों से खचाखच भरा हॉल। इस बीच खबर ये आती है कि कॉन्सर्ट में आए उनके पसंदीदा स्टार की अचानक से जान चली जाती है। एक चाहने वाले लोगों के लिए ये खबर एक बुरे सपने से कम नहीं था। आप लोगों को अभी तक इसकी जानकारी मिल गई होगी कि बॉलीवुड के मशहूर सिंगर कृष्ण कुमार कुन्नत उर्फ केके का एक लाइव म्यूजिक शो के दौरान जान चली गई। खबर के मुताबिक परफॉर्मेंस के दौरान दिल का दौरा पड़ने से उनकी जान गई। इस खबर ने लाखों फैन के दिल को झकझोर कर रख दिया। आपको बता दें कि केके ने 90s के दशक में बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक हिट गाने दिए। वो गाने आज भी 90 के दशक के लोगों के ही नहीं बल्कि अभी के युवाओं के दिल पर भी राज करते हैं। वो चाहे तड़प तड़प के इस दिल से, जिंदगी दो पल की जैसा सैड सॉन्ग हो या फिर बचना ए हसीनों दिल इबादत कर रहा है जैसे रोमांटिक सॉन्ग, इन सभी गानों के माध्यम से केके ने अपने फैंस के दिलों पर राज किया है। केके के संगीत की दुनिया का सफ़र बेहद ही रोचक रहा है। 2 साल की उम्र में केके ने पहली बार अपनी संगीत कला का प्रदर्शन किया था, जिसके लिए उन्होंने महज 2 दिन ही इसका क्लास किया था। अहम बात यह थी कि जो गायकी सीखने में दूसरे बच्चे महीनों लगा देते थे, वो 2 दिन में सीख कर उसका प्रदर्शन कर घर भी वापस आ गए थे और घर वालों से कहा, मुझे संगीत सीखने नहीं जाना। अगर ऐसा कहा जाए कि केके को संगीत की कला विरासत में मिली थी तो गलत नहीं होगा। दरअसल उनके परिवार में सभी संगीत के पुजारी थे। उनकी माँ गाती थी और पिता भी संगीत के पूरे शौकीन थे। उनकी नानी भी संगीत की पुरोधा थी। कृष्ण कुमार के पास ईश्वरीय आशीर्वाद था कि वो किसी भी गाने की बोल को सुनकर उसे तुरंत गा सकने में सक्षम थे। ये बहुत बड़ी बात थी कि सुरों के बादशाह किशोर कुमार के बाद केके भी ऐसे गायक थे जिन्होंने संगीत कहीं से नहीं सीखी थी। ये बात उन्हें खुद बहुत समय के बाद पता चली। इस बात पर केके ने एक बार कहा भी था कि जब उन्हें ये बात पता चली उन्हें काफ़ी सुकून मिला था। केके ने अभी तक फिल्म इंडस्ट्री को लगभग 200 गाने दिए हैं। वहीं करीब 4,500 जिंगल्स में अपनी आवाज़ दे चुके हैं। जिंगल्स से केके को अपनी पहली कमाई मिली थी। सेंटोजन शूटिंग के पहले विज्ञापन में गाने के बाद केके ने 4,500 जिंगल्स गा डाले, लेकिन उन्होंने कभी बॉलीवुड के गाने के पीछे दौड़ नहीं लगाई। उनका कहना था कि मैं उतना ही गानों के लिए हाँ करता हूँ जितना मैं गा सकता हूँ। कृष्ण कुमार को बॉलीवुड फिल्म हम दिल दे चुके सनम के गाने तड़प तड़प के इस दिल से बॉलीवुड इंडस्ट्री में ब्रेक मिली। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो चलिए हम आपको कृष्ण कुमार के ऐसे ही 11 सुपरहिट गानों से रूबरू करवाते हैं। पहला, जरा सा। यह गाना 2008 में आई कुणाल देशमुख द्वारा निर्देशित फिल्म जन्नत की है। यह गाना केके द्वारा गाई गई उन गानों में शामिल है जो उस समय हिट रही थी। दूसरा, तुझे सोचता हूँ। यह गाना जन्नत 2 का है जो कि साल 2012 में रिलीज हुई थी। ये भी उस समय हिट रही थी। तीसरा, दिल इबादत। यह गाना भी जन्नत मूवी की ही है जो कि 2008 में रिलीज हुई थी। आप समझ सकते हो कि केके की आवाज़ के लोग कितने दीवाने थे। तीसरा, हाँ तू है। ये भी जन्नत मूवी की गाने की इस लिस्ट में शामिल केके द्वारा गाई गई गानों की पंक्तियों में जगह रखता है। जन्नत या फिर इसके सीक्वल में केके द्वारा गाए गए सभी गानों ने फैंस के दिल पर राज किया है। तड़प तड़प के हम दिल दे चुके सनम मूवी के साथ साथ केके द्वारा गाया गया यह गाना जिसने भी देखी और सुनी है उसके दिल में यह एक अलग स्थान रखता है। 1999 में आई सलमान खान, ऐश्वर्या राय और अजय देवगन की इस फिल्म में केके द्वारा गाया गया यह गाना भी अपने आप में बहुत सारी भावनाओं को समेट कर रखे हुए है। जिंदगी दो पल की। 2010 में ऋतिक रोशन की आई फिल्म काइट्स का ये गाना लोगों के दिल में घर सा कर गया है और ये गाना हिट भी रहा था। तू ही मेरी शब है। 2006 में आई गैंगस्टर अ लव स्टोरी के इस गाने को भी लोगों ने खूब प्यार दिया। आंखों में तेरी। साल 2007 में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण द्वारा दी गई सुपरहिट फिल्म ओम शांति ओम का यह गाना और केके की आवाज़ लोगों के दिलों में राज करता है। सजदे। 2010 में आई अक्षय कुमार की फिल्म खट्टा मीठा का यह गाना और केके और सुनिधि चौहान के तालमेल आज भी दो प्यार करने वालों को एक दूसरे के करीब लाता है।
तू जो मिला। 2015 में सलमान खान और करीना कपूर की फिल्म बजरंगी भाईजान का यह गाना काफ़ी हिट रहा है। खुदा जाने, साल 2008 में रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण की आई फिल्म बचना ए हसीनों के इस गाने को लोगों ने काफ़ी प्यार दिया। के को उनके फैंस हमेशा उनके गानों के माध्यम से याद रखेंगे। भगवान केके की आत्मा को शांति दे।